अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को बैन क्यों किया गया और क्या आने वाले वक्तों में क्रिप्टो करेंसी पे बैन हुकूमत पाकिस्तान हटाने जा रही है या नहीं। सबसे पहले हम बैन से मुतल्लिक बात करते हैं कि क्या वजह है कि क्रिप्टो करेंसी यानी स्पेशली बिटकॉइन, अगर उसकी वैल्यू इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी तकरीबन एक कॉइन जो है पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 42 लाख रुपये से ज़्यादा उसकी वैल्यू है। आज से तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले मैंने क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये बिटकॉइन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, उससे मुतल्लिक एक वीडियो बनाई थी एक डेढ़ हफ्ता पहले। उस वक्त BTC की वैल्यू तकरीबन 37 से 38 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 5 लाख रुपये का इस कॉइन की वैल्यू में इजाफा हुआ है। और क्या वजह है कि इतना करेंसी की रेपुटेशन होने की वजह से और ये करेंसी दुनिया में रिकॉग्नाइज है तो इन्वेस्टर इसमें पैसा और इक्विटी डाल रहे हैं, तो क्या वजह है पाकिस्तान में बैन क्यों हुआ है? तो ये सवाल जो है वो बड़ा पुरवजन है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बैन क्यों है, हम जाते हैं 2017 जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने बिटकॉइन यानी जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं उनकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक तरह का अनऑथोराइज कहा कि इस तरह की ट्रांजैक्शन को अनऑथोराइज हम डिक्लेयर करते हैं, और दूसरा जितने भी बैंक्स थे उनको पाबंद किया गया, जितने भी आपके सार्फीन हैं अगर वो ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए और जितने उनके फंड्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए। तो वजह क्या थी? वजह ये दो किस्म की वजह थी। एक तो थ्रेट था, यानी कोई भी हुकूमत जो है वो उसको उसके लिए ये डिजिटल करेंसी ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं स्पेशली बिटकॉइन वगैरह वो अपने लिए थ्रेट महसूस करती हैं, और दूसरा इसका मिसयूज भी था। लेकिन अगर हम सबसे पहले थ्रेट की बात करें तो थ्रेट दो तरह के थे, एक तो सिक्योरिटी थ्रेट था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज जो मोस्टली हैं उनकी वजह से, और दूसरा मॉनिटरी थ्रेट था। मॉनिटरी थ्रेट क्या, आपको पता है जितनी भी रियासतें होती हैं वो पैसे की जो उसकी कोई ना कोई सेंट्रल बॉडी या स्टेट बैंक, हमारे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, दुनिया में इस तरह के कोई ना कोई हर हुकूमत ने अपना सेंट्रल बैंक बनाया होगा जो पैसों की रेल पेल को, मुआशरे में पैसे को कैसे चलना है, फिर टैक्स कलेक्शन होती हैं, वो पैसा होगा तो सारी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसको कंट्रोल एक बैंक के जरिए करती है। तो जब ये BTC आया जिसको हम डिजिटल गोल्ड, मैंने पिछली वीडियो में कहा जैसे गोल्ड एक यूनिवर्सल करेंसी है इसी तरह BTC को भी या क्रिप्टो करेंसी जो मोस्टली हैं उनको एक डिजिटल गोल्ड कहा गया जो कि एक यूनिवर्सल करेंसी है, उसके लिए किसी रियासत की जमानत की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी का रुझान बढ़ा 2016 से स्टार्ट हुआ, ये वैसे तो इनका आगाज जो है 21वीं सदी के आगाज से ही हो गया था लेकिन ये 2016 में इसमें ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई और दुनिया के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी इक्विटी और अपने पैसे जो हैं क्रिप्टो करेंसीज में डालना शुरू किए। तो एक तो मॉनिटरी थ्रेट था रियासतों को, इसी तरह पाकिस्तान ने भी महसूस किया, तो दूसरा इसका सिक्योरिटी थ्रेट था। आप अगर थोड़ा सा इसका जायज़ा लें तो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं मोस्टली अगर हम BTC की बात करें तो कोई भी BTC जो होल्डर है उसको एक ख़ास किस्म का उसका वॉलेट एड्रेस होता है जिसके अंदर उसके सारे पैसे जो है वो रखे जाते हैं या ट्रेडिंग की जाती है। अब वो एड्रेस जो है एक तो वो न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिकल कुछ वर्ड्स हैं, 20-21 डिजिट्स होते हैं उनमें एक उसका एड्रेस होता है। अगर आपके पास किसी कोई भी BTC का एड्रेस है तो कोई भी बंदा उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकता, यानी ये सिक्योरिटी थ्रेट इस सेंस में बनता है कि अगर कोई बंदा किसी को अगवा करता है या कोई गैर कानूनी हरकत करता है तो जो क्रिमिनल लोग हैं वो BTC के जरिए ट्रांजैक्शंस करवा सकते थे, फंड्स ले सकते थे और बाद में उनको ट्रेस आउट करना इंतहाई मुश्किल था। तो ये BTC और क्रिप्टो करेंसी का ये जो एक लकूना है या ये जो एक खराबी है उस वजह से क्रिप्टो करेंसीज एक सिक्योरिटी भी थी, सिक्योरिटी थ्रेट भी था, दूसरा मैंने मॉनिटरी थ्रेट आपको बताया। तो ये वो थ्रेट था जिसकी वजह से जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत से ममालक अभी भी कंसर्न हैं और बहुत से ममालक ने तो इसको कबूल भी कर लिया बल्कि इससे मुतलक अपनी रेगुलेशंस बना भी रहे हैं। अब दूसरी बात आते हैं मिसयूज कि क्रिप्टो करेंसी का क्या मिसयूज हुआ जिस वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऐसे करना पड़ा। 2016 और 17 के दरमियान जब क्रिप्टो करेंसी का हाइप था पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान के अंदर भी जो इसके फ्रॉडिये हैं उन्होंने क्या तरीकाकार अपनाया कि क्रिप्टो करेंसी बनाना एक्चुअली कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी जेब में 30 लाख से लेके 1 करोड़ या जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप उतना बड़ा प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी का लगा सकते हैं। और 2016-17 में एक तो क्रिप्टो से मतलब बहुत सी पोंजी स्कीम्स आई, जैसे कि वन कॉइन बहुत पॉपुलर थी, उसने पाकिस्तान में तकरीबन अरबों रुपए का फ्रॉड किया
और उसके लिए बड़ी कंपेनिंग भी की गई। तो लोगों ने एक तो पोंजी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा कर दी थी, और जब वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो कैश आउट नहीं हुई तो उन्होंने FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट्स करना शुरू कर दी। दूसरी साइड पे जैसे मैंने कहा कि फ्रॉडिये बहुत ज़्यादा थे, वो एक्टिव हो गए क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। उन्होंने क्या किया कि मतलब 30-40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट पकड़ी, वो मलेशिया चले गए या ऐसी कंट्रीज़ में चले गए जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा था। उन्होंने वहाँ जाके अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, यानी अपने नाम की क्रिप्टो करेंसी बनाई। इसको आम जुबान में समझाने के लिए मैं यूँ समझ लें कि मेरा नाम मुकद्दस है, तो मैंने मुकद्दस क्रिप्टो करेंसी के नाम से एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, कोई 30-40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, बाकी ऊपर कोई 30-40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट की ऑनलाइन। और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कोई ना कोई सेटअप था जो मैं लोगों के साथ, या मार्केटिंग का बिजनेस था या अफिलिएट, कुछ इस तरह का मेरा सिस्टम था कि मैंने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया कि आप मेरी मुकद्दस नाम की क्रिप्टो करेंसी, मेरे टोकन्स बाय करें, और जब ये टोकन्स जो है क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये पूरी डिजिटल करेंसी रिकोगनाइज करेंसी बन जाएगी, तो आपके ये टोकन्स जो थे वो कैश में बदल जाएंगे, और उस वक्त तक जो वैल्यू थी वो भी आपकी डबल ट्रिपल हो जाएगी, यानी डबल शाह की तरह आप मेरे टोकन्स बाय करें, और आपकी जो जब ये मेरे टोकन्स करेंसी में बदलेंगे और आप डबल शाह की तरह 3 गुना 4 गुना आपकी ये इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगी। अब लोगों ने क्या किया, धड़ाधड़ अब मैं मुकद्दस नाम के टोकन्स बेच रहा हूँ, अब टोकन की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन बदले में मैं लोगों से क्या ले रहा हूँ जो मेरे से टोकन बाय कर रहे हैं, बदले में वो मुझे पाकिस्तानी करेंसी यानी पैसे दे रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं कि BTC बाय करके वो मुझे दे रहे हैं और मेरे से वो टोकन ले जा रहे हैं। अब मेरे से टोकन लिए जा रहे हैं एक वक्त आता है कि जो मैं क्रिप्टो करेंसी का ऑनर हूँ, यानी मुकद्दस क्रिप्टो करेंसी का, मैं अगर भाग जाता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ या जितना मैंने टारगेट सेट किया हुआ है, जैसे ही वो मेरा टारगेट मीट हो जाता है मैं अपना प्रोजेक्ट बंद करके चला जाता हूँ, या वो मेरा जो टोकन है वो वैलिड क्रिप्टो करेंसी बनता ही नहीं है, तो दोनों सूरतों में पैसे मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी में भी आ गए, और जो मैंने BTC के जरिए या और जराए से जो मैंने लोगों से पैसे लिए हैं और उनके बदले में टोकन दिए हैं, वो सारे मेरा तो कैश आउट हो सकता है, लेकिन उनको जिनको मैंने टोकन्स भेजे हैं उन्होंने फिर जाके FIA के साथ रजू किया, और जब FIA को इसी तरह के मिसयूज की, फिर सिक्योरिटी थ्रेट, फिर रियासत का अपना रिस्पांस, जैसे मैंने आपको कहा था कि मॉनेटरी थ्रेट भी है, तो ये सारी चीजें जब बनी तो उनके ऊपर एक प्रेशर बना कि वो इसके बारे में सोचें। अब बदकिस्मती के साथ उस वक्त आज की अगर बात करें तो आज तो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में जो हमारे अहलकार हैं, जो उनको तो अब थोड़ा बहुत शौर हो गया है, लेकिन उस वक्त की अगर बात की जाए तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद लोगों को इतना शौर नहीं था, ना उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने लमसम हर चीज़ को इनको कहा जी डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी बैन, ये गलत है, दो नंबर चीज़ है, हालांकि ये दो नंबर चीज़ नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ पे चूंकि मिसयूज़ बहुत ज़्यादा था और लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से FIA साइबर क्राइम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा कि इसमें इंटरवीन करें, फिर उन्होंने मजबूरन एक नोटिफिकेशन, एक तरह का तनबीह की आवाम को कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल टोटली आप हैं, और साथ साथ बैंकों को भी उन्होंने कह दिया कि जो भी आपका कस्टमर जो है वो ट्रांजैक्शंस करता है तो उसके अकाउंट्स को भी सील करें और उनके फंड्स को भी फ्रीज करें। बैन की वजूहत है उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको कहा कि जैसे रियासतें हैं उनको सबसे बड़ा थ्रेट तो मॉनेटरी थ्रेट था कि वो कैसे पैसे का रेल पेल जो है वो बगैर किसी कंट्रोल के वो आवाम को दे दें। दूसरा सिक्योरिटी थ्रेट था, मैंने आपको बताया कि जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी का मिसयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अपने आप को छुपाना बहुत आसान है। तीसरी एक चीज़ मैं भूल गया, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ कि इसमें जो टैक्स अवेडर्स हैं वो भी अपने आप को छुपा सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जो अकाउंट होल्डर है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, तो टैक्स अवेडर्स जो है अपना सारा ब्लैक मनी जो है वो इसमें सेव कर सकते हैं। तो ये जो थ्रेट्स थे, एक सिक्योरिटी थ्रेट, दूसरा जो मॉनिटरी पॉलिसी थ्रेट है वो वाला, फिर तीसरा मिसयूज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इसका क्रिप्टो करेंसी का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा है, कि लोगों ने फेक पोंजी स्कीम्स में लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई, उसमें कमीशंस ली, और तीसरा आखिरी जो मैंने बताया कि मिसयूज़ इस तरह का था कि लोगों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई, उनका मार्केट में नाम था, मार्केटिंग में या किसी और भी फील्ड में जिससे वो लोगों के साथ कांटेक्ट में थे और लोग उन पर ट्रस्ट करते थे, उन्होंने अपने क्रिप्टो करेंसीज बनाई और क्रिप्टो करेंसीज के टोकन बेच के उसके बदले उन्होंने कैश लिया लोगों से और कैश लेके वो भागे। तो जब ये सारी चीज़ें, सारी कंप्लेंट्स FIA के पास गई, बजाय इसके कि वो केस बाई केस उसको डील करते, उन्होंने ओवरऑल एक जनरलाइज तरह का एक पॉलिसी बना ली और BTC को उन्होंने एक तरह का स्कैम और फ्रॉड करार दे दिया, हालांकि ऐसा नहीं है।
तो अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में क्रिप्टो करेंसी से पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बैन हटा दे। तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारे एक मीडिया सेलेब्रिटी हैं वकार जगा साहब, जो क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, बल्कि वो गाहे बगाहे हुकूमत पाकिस्तान को एक तरह के पैगाम भी भेजते रहते हैं कि अगर आपको इस हवाले से मेरे से कोई मदद चाहिए तो मैं हुकूमत पाकिस्तान की हेल्प कर सकता हूँ, ना सिर्फ जिससे पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा होगा बल्कि रियासत का भी फ़ायदा होगा। और इसके बारे में उनके माइंड में क्या प्लान है वो तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है अगर इसके सोल्यूशन इसको थोड़ा सा रेगुलराइज कर दिया जाए या ऐसा कर लें कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना एक कॉइन लॉन्च कर दे, मतलब आने वाले वक्तों में क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर है, अगर ये तय कर लिया जाए तो हुकूमत पाकिस्तान एक अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करे जिसमें कुछ ऐसी रेगुलेशंस रखी जाएँ, एक तो जो वॉलेट का ऑनर है उसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो, वो कैसे हो सकता है कि यानी इस तरह का सिस्टम हो कि अगर किसी के वॉलेट में $5,000 से ज़्यादा की अमाउंट होती है तो उसका डाटा ट्रेस आउट करना जो FBR है हमारी या हमारी FIA है उसको इस चीज़ की अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी अकाउंट होल्डर का डाटा जो है वो ले सके कि इसका मालिक कौन है, उसका क्या बैकग्राउंड है सारा। तो अगर इस तरह की कुछ रेगुलेशन बना ली जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन है क्रिप्टो करेंसी जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में काबिल अमल हो सकती है। तो ये वो सारी चीज़ थी, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके हर सवाल का इस हवाले से जवाब दे दिया है। अगर कुछ सवाल मिस हो गया तो सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मैं अगर आइंदा कोई वीडियो इस तरह की अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देखें और अपने आप को इस हवाले से अपडेट रखें। तो फिर भी कोई सवाल मिस हो गया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पुट करें, कोशिश करूँगा वहीं आपको जवाब दे दूँ, अगर मुमकिन ना हुआ तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना के आपके उस कंसर्न को एड्रेस करूँगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।